एक बड़ी अपडेट, चार राज्यों की 15 विधानसभा और नांदेड़ लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। सपा ने उत्तर प्रदेश के मानपुरी में वोटिंग वाले दिन बड़ा आरोप भी लगा दिया है। आरोप लगाया गया कि करहल विधानसभा सीट के एक बूथ से उनके समर्थक को पुलिस उठा कर ले गई है। साथ ही कहा गया कि सपा के बूथ एजेंट्स को धमकाया भी जा रहा है। वहीं कानपुर की सीसाबाऊ सीट के इलाके में भी पुलिस आरएएफ ने लोगों को दौड़ाया है। आरोप लगाया गया कि मुस्लिम इलाकों में प्रशासन लोगों को डरा रही है ताकि वो वोट ना कर सके। बता दें यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग जारी है। एक बड़ी अपडेट, चार राज्यों की 15 विधानसभा और नांदेड़ लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। सपा ने उत्तर प्रदेश के मानपुरी में वोटिंग वाले दिन बड़ा आरोप भी लगा दिया है। आरोप लगाया गया कि करहल विधानसभा सीट के एक बूथ से उनके समर्थक को पुलिस उठा कर ले गई है। साथ ही कहा गया कि सपा के बूथ एजेंट्स को धमकाया भी जा रहा है। वहीं कानपुर की सीसाबाऊ सीट के इलाके में भी पुलिस आरएएफ ने लोगों को दौड़ाया है। आरोप लगाया गया कि मुस्लिम इलाकों में प्रशासन लोगों को डरा रही है ताकि वो वोट ना कर सके। बता दें यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग जारी है।